देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचे, यहां उनका ऐतिहासिक स्वागत किया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई ने। प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए कई केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां पर पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई सौगातें भी दी, 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। यही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत कई सौगातें, प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी उन्होंने कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा में हुआ ऐतिहासिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी कई सौगातें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया राज्यपाल मंगू भाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश के मंत्रियों, सांसद, विधायक ने। प्रधानमंत्री अपने निर्धारित समय पर वाराणसी बने एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, लघु नाटिका को बड़े ध्यान से देखा, जिसमें धरती माँ की पीड़ा को बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया, लगभग 7,853 करोड़ की लागत से, जिसमें 4,063 गांव लाभान्वित होंगे। 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं को सौगात दी। 3 नई ट्रेनें रीवा नैनपुर छिंदवाड़ा इतवारी, छिंदवाड़ा नैनपुर, नैनपुर छिंदवाड़ा को हरी झंडी दिखाई। लगभग 4 से ज़्यादा लोगों को आवास में गृह प्रवेश कराया। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रीवा के SF मैदान और दिखाते हैं वहां का नज़ारा और सुनाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती सुरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं, और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पीएम सौभाग्य योजना के तहत जिन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची, उनमें से ज्यादातर गांव के ही घर हैं। गांव के रहने वाले मेरे भाई बहन, गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना भी शुरू की है। फिर 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां MP में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था, पहले की बात करता हूं। आज MP के गांवों में करीब करीब 7 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है, और आपका एक जिला तो 100% हो गया है।
साथियों, हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता, लेकिन वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने गांवों के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी। आप देखिए, हर घर जल योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दशकों से अधिक अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना पर भी 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। यहां एमपी के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18.5 हजार करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। व्यक्त करना चाहता हूं, अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि इस रविवार मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के स्नेह और आपके योगदान की वजह से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है। यहां के लोगों की लाखों चिट्ठियां और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं। इस बार रविवार को मन की बात में फिर आपसे मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सेंचुरी है ना, और हमारे यहां तो सेंचुरी का जरा महत्व तो ज्यादा ही होता है। आप हर बार की तरह रविवार को अवश्य मेरे साथ जुड़िएगा। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रेल लाइन के बिजलीकरण से इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली, चेन्नई और हावड़ा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। आज छिंदवाड़ा, मैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा, सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। इन ट्रेनों की मदद से नागपुर और जबलपुर जाना भी आसान हो जाएगा। आज जो रीवा इतवारी छिंदवाड़ा नई ट्रेन चली है, उससे भी अब सिवनी और छिंदवाड़ा सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र तो अपने वन्य जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा, विद्यार्थियों को होगा, रेलवे के डेली पैसेंजर्स को होगा, छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को होगा। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल की हुई है। साथियों,
ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।